दोस्तों सर्दी के मौसम में अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप एक लड्डू खाएं और अपने सारे जो दुख दर्द हैं और परेशानी है, जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, सब दूर हो जाएं, तो आपको यकीन होगा? नहीं होगा ना दोस्तों। बात ऐसी है कि आपको यकीन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसी बात सिर्फ तिल और गुड़ के लड्डू के साथ हो सकती है। जी दोस्तों, तिल और गुड़ का लड्डू एक ऐसी चीज है जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त फायदा देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त फायदा देगा तो ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारतीय आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और तिल का सेवन आपके बहुत से रोगों को दूर करता है। और ये जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि यही कारण है कि हमारे पुराने काल से मकर संक्रांति और लोहड़ी जो त्योहार होते हैं उनके अंदर तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सर्दी के अंदर आते हैं और उनको भी पता था हमारे पूर्वजों को कि तिल और गुड़ का सेवन बहुत जरूरी है, तो उसने उन लोगों ने त्योहार के माध्यम से तिल और गुड़ को आपके जीवन में लेके आए। तिल और गुड़ को अगर आप दोनों एक साथ खाते हैं ना, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त फायदा देता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और वसा प्रचुर मात्रा में होती है। इसके अलावा तिल के अंदर तो फाइबर इतना ज्यादा मौजूद होता है कि ये क्या बताओ। ये आपकी बॉडी के लिए ऊर्जा देता है और ये आपकी बॉडी के जो भी फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए तो तिल और गुड़ को अगर आप एक साथ सेवन करते हैं या फिर अलग अलग बनाकर भी सेवन करते हैं, तो इससे आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, आपका जो डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त रहता है और ये सर्दी के मौसम में आपको अर्थराइटिस के दर्द से भी राहत देता है। इसके अलावा इसके अंदर हर वो मौजूद पोषण तत्व होते हैं जो आपको बीमारियों के जोखिम से बचाते हैं और ये आपके लिए सर्दी में हेल्थ टॉनिक का काम करता है। दोस्तों वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और उसे पूरा पूरा फायदा प्राप्त करें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में घंटी के आइकन को जरूर दबाएं और साथ में हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों हमें इसके पैसे नहीं मिलते हैं, बस आपका मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों गुड़ और तिल के जो लड्डू है, ये मैं सच बात कहूं कि ये बहुत जबरदस्त चीज है। अगर बात की जाए दोनों को अलग अलग इस्तेमाल करने की, तो दोस्तों आप गुड़ को हमेशा चीनी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी तो दोस्तों आप जानते हैं एक सफेद जहर होता है, तो ऐसे में आप चीनी की जगह गुड़ का सेवन करें। जी इससे आपका डाइजेशन सुधरेगा, आपके शरीर की जो भी गंदगी है वो साफ हो जाएगी। ये विटामिन्स और मिनरल्स का एक भंडार होता है, जैसे कि कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, ये आपको बहुत ज्यादा पावर देगा। ठीक है, इसके दोस्तों एंटी एलर्जिक गुण होते हैं जिस कारण आपको चाहे कैसी भी एलर्जी हो, सांस संबंधी बीमारी हो, उनमें आपको बहुत फायदा देता है। ये विटामिन सी का एक बहुत जबरदस्त सोर्स है, तो ऐसे में दोस्तों ये कंप्लीट आहार के तौर पर यानी कि गुड़ जो होता है ये सर्दियों के मौसम में आपके लिए बहुत जबरदस्त फायदा लेके आता है। दोस्तों बात की जाए तिल की, तो दोस्तों तिल भी कुछ मामूली चीज नहीं है। दोस्तों तिल के जो दाने हैं ये जबरदस्त फाइबर का भंडार होते हैं। इसके अगर आप खाते हैं तो इससे आपको जो पाचन यानी कि डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जी दोस्तों रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि LDL और हाई ट्राइग्लिसराइड्स नाम के जो तत्व होते हैं इसके अंदर कम होते हैं और जिस कारण ये आपके दिल के लिए, आपके खून के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है और अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए जबरदस्त काम करता है। जी दोस्तों प्रोटीन और आवश्यक अमीनो एसिड तो इसके अंदर होते ही हैं, साथ ही दोस्तों इसके अंदर ऐसे ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपके सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। आपकी जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो अच्छा होता है, साथ ही इसके अंदर मैग्नीशियम की हाई मात्रा होने के कारण ये आपकी जो बीपी की शिकायत होती है, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है, उसमें आपको बहुत ज्यादा आराम प्रोवाइड करता है। जी दोस्तों डेली लाइफ की बात की जाए तो लगभग इसके अंदर करीब 22% कैल्शियम होता है, यानी कि इतना कैल्शियम इतना होता है कि आपकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहेंगी, आपके जोड़ों का जो दर्द की शिकायत है वो दूर होगी, साथ ही जो आपके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं इसके अंदर होने के कारण ये आपको अर्थराइटिस जैसी बीमारी में बहुत ज्यादा आराम करता है, आपको कोई सूजन नहीं होगी और आपके जो जोड़ों के दर्द है वो सर्दी के मौसम में आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो है कि नहीं तिल कितनी फायदे की चीज। तिल को दोस्तों और गुड़ को अगर आप एक साथ सेवन करते हैं तो कभी आपने सोचा है कि आपके फायदे कितने हो सकते हैं? दोस्तों ये फायदे आपके डबल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों गुड़ और तिल का सेवन अगर आप अलग अलग करते हैं तो फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप दोनों को साथ में मिलाकर करते हैं यानी कि कोई डिश बनाते हैं तो ये आपके फायदे डबल चौगुना हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों बात की जाए सबसे बेस्ट तरीका कैसे खाएं, तो दोस्तों तिल और गुड़ को दोनों को मिला के आप तिल के लड्डू बनाएं। जी हाँ दोस्तों तिल के लड्डू सर्दियों में खाना बहुत फायदे की चीज है। लड्डू आप ना केवल मजे में खाएंगे बल्कि इसके सारे हेल्थ के जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने जीवन में लेके आएंगे। बच्चे भी खाते हैं लड्डू बहुत आराम से, बड़े भी खाते हैं लड्डू बहुत आराम से, सबको लड्डू पसंद होते हैं और क्यों ना खाएं? दोस्तों फायदे की चीज तो है ही, सर्दी के मौसम में आप लड्डू बनाएं घर में और खाएं। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर हम तो लड्डू बना नहीं सकते, हम क्या करें? दोस्तों आपके लिए भी तरीके हैं। कई लोग दोस्तों इनको गुड़ को और तिल को मिलाकर मालपुआ बना लेते हैं,
जी हाँ, एक मिश्रण बनता है मालपुआ, वो खाते हैं। या फिर कई लोग क्या करते हैं, तिल और गुड़ को दोनों को पाउडर मिलाकर दोस्तों दूध के साथ, ड्राई फ्रूट के साथ मिलाकर इसे सेवन करते हैं। इससे भी बहुत फायदा होता है। ये आपके शरीर की जो भी कमजोरी है उसे दूर करता है और आपको बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। दोस्तों अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो करीब 100 ग्राम गुड़ और तिल के अंदर बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, वसा, फाइबर। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितने गुण इसके अंदर मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, सच्ची बात तो यह है कि अगर आप गुड़ और तिल के लड्डू का सेवन कर रहे हैं सर्दी के मौसम में तो आप सर्दी एंजॉय कर रहे हैं, वरना आप सर्दी भी चली जाएंगी, आपको इनके फायदे भी नहीं मिलेंगे और आप वंचित रह जाएंगे। दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल गलती ना करें, सर्दी के मौसम में तिल और गुड़ का सेवन करें और अपनी हेल्थ को जबरदस्त बनाएं। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जिसे तिल और गुड़ के लड्डू के बारे में नहीं पता है तो आप इसे शेयर करेंगे, और सर्दी के मौसम में अगर आपके पास कोई ऐसा है तो उसे जरूर खिलाएंगे भी। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही खुश रहें, अपनी हेल्थ बनाए रखें, और आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।